दिल्ली मॉडल सबका आशा है कि दिल्ली मॉडल यहाँ भी स्टार्ट हो जाए, इसीलिए सबकी आशा आप पे है। केजरीवाल वगैरह ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, हम लोग तो बहुत पसंद करते हैं उसको। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम जनता की आवाज में। आज फिर हम आपके लिए खास प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें जनता की आवाज उनके मुद्दे हम आपको सुनाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा के चुनाव बहुत नजदीक है, लगातार दिन बीतते जा रहे हैं। दो चरणों में चुनाव होना है, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को। सभी को मालूम है कि गुजरात चुनाव इतने अहम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तिगड़ी बनती नजर आ रही है। पहले दो ध्रुवीय होता था यहाँ पर, कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी आ चुके और अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी जान झोंक रखी है चुनाव जीतने में। लेकिन अब यहाँ पर हमारे कुछ सहयोगी गुजरात पहुंचे थे, काफी दिनों से वो गुजरात में है, लगातार आपके लिए खास रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब एक बार फिर से हमारे रिपोर्टर्स ने, हमारे सहयोगियों ने वहां पर कुछ लोगों से बातचीत की है, महिलाओं से उनके व्यूज जाने हैं, उनके मुद्दे जाने हैं। यहाँ पर महिलाएं साफ तौर पर कहती नजर आई है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर बदलाव की बात करती नजर आई है। महिलाएं कहती है कि गुजरात में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन पैसा लेकर देकर यहाँ पर मोदी सरकार हमेशा चुनाव जीत जाती है, इस तरीके के इल्जाम भी लगाती नजर आई महिलाएं। साथ ही साथ दूसरा मुद्दा खड़ा हुआ, दूसरा तो मुद्दा यही था कि पैसों का लेन देन होता है, पहला मुद्दा ये था कि यहाँ पर बदलाव चाहिए। तीसरा मुद्दा ये उठाया कि यहाँ पर महिलाओं ने ये तक कह दिया कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से यहाँ पर राजनीति की जाती है, इसी वजह से चुनाव में जीत और हार का सामना करना पड़ता है, इस तरीके की बातें महिलाएं यहां पर करती नजर आई। हमारे सहयोगी पहुंचे महिलाओं के बीच में, मॉर्निंग वॉक का वो समय था और वहां जाके लोगों से राय भी लेते नजर आए। तो कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि महिलाओं ने अपनी राय पूरे तरीके से रखी, क्योंकि गुजरात मुद्दा सबको बताया कि इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है। मोदी का गढ़ माना जाता है, पीएम मोदी के गढ़ है वो, अमित शाह का भी गढ़ है, और कहीं ना कहीं यहां पर किसी और पार्टी का जीत पाना काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। लेकिन जिस तरीके अरविंद केजरीवाल लगातार यहां पर बयानबाजी कर रहे, जनसभाएं कर रहे, तो कहीं ना कहीं यहां पर कहा जा रहा है कि बदलाव जरूर हो सकता है, भले ही शुरुआत में कम सीटों पर हो, लेकिन आने वाले समय में लोगों का कहना है कि यहां पर बदलाव देखा जा सकता है। महिलाओं ने काफी मुद्दे यहां पर खड़े कर दिए। लगातार हम आपको रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि आखिरकार गुजरात की जनता की राय क्या है। वैसे तो काफी लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि पीएम मोदी ही यहां पर वापस आएंगे, मोदी सरकार वापस आएगी, भाजपा ही यहां पर जीत हासिल करती नजर आएगी, काफी सारी राय लोग रखते हैं। लेकिन चलिए हम आपको वो खास रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें महिलाओं ने यहाँ पर इन तीन मुद्दों पर अपनी राय रखी और किस तरीके से मोदी सरकार पर निशाना साधती नजर है। उसके बाद अब अपनी राय जरूर रखिएगा गुजरात चुनावों को लेकर, आखिरकार अब की बार किसकी सरकार को, और ऐसी जानकारियों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। पॉलिटिकल पे मैं थोड़ा सा सवाल ये ले रहा हूँ कि चुनाव भी आ गए हैं तो लोग, नेताओं के भी मॉर्निंग वॉक होंगे अभी, वो भी घूमने जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, कैसा सरकार का कामकाज लगा आप लोगों? बहुत अच्छा है, अभी अच्छा मेट्रो ट्रेन भी स्टार्ट हो गई है, सब रिवर फ्रंट भी नया बना हुआ है, सब अच्छा ही है। रिवर फ्रंट भी कल बने गया था, बहुत खूबसूरत तस्वीरें। आप कैसे देख रही हैं, कैसा लगा सरकार का कामकाज? वेरी नाइस, वेरी सैटिस्फाइड। एक सवाल मैं ले लूँ, विपक्ष को तो आप लोग जानते होंगे, कांग्रेस आम आदमी पार्टी, ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई गुजरात को बर्बाद कर दिया है, वहाँ कोई कामकाज नहीं हुआ, जैसे आप लोग बता भी रही हैं, विपक्ष के आरोपों को कैसे देखती हैं उनके इसकी उस इल्ज़ाम को? हम देखते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। अच्छा, मतलब महंगाई एक मुद्दा है जो लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा, मैं गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लास से भी बात कर रहा था, ये इशू आ रहे हैं, सरकार इस पर क्यों तवज्जो या ध्यान नहीं दे रही है, ये कैसे आप लोग देख रहे हैं इसको, महंगाई का जो एक मसला है, जो व्यापारी के लोग थे वो भी बातचीत कर रहे थे भाई महंगाई तो है। हाँ, तो महंगाई पे ध्यान देना चाहिए ना, नहीं दे रही तो ध्यान देना चाहिए ना सरकार को, मतलब महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है यहाँ पे, कॉमन मैन के लिए परेशानी है, परेशानी हाँ, क्योंकि आम चीज़ें जो हमारे को लेना है रोज़ का, उसमें काफ़ी ये बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, ये सीनियर सिटीजन का ना, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह काफ़ी कम कर दिया है। हम तो ऐसा सजेशन देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि कम से कम सीनियर सिटीजन का तो रेट ज़्यादा होना चाहिए, वो लोग तो कमा नहीं सकते हैं वैसे भी, तो उनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं पेंशन से मदद कर रहे हैं, सरकार फंड से मदद करे, तो ये सब फंड नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला,
कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोगों को तो कुछ नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल आप लोगों से लेते फिर सर से मैं बात करूंगा कि अगर विपक्ष कांग्रेस की सरकार आ जाती है या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, क्या आप लोग बदलाव देख रहे हैं इस बार? क्योंकि वो जो नई नई दिल्ली से पार्टी आई आम आदमी पार्टी, क्या बदलाव की नजरें कुछ आ रही है? हाँ, वो होएगा ही होएगा। बदलाव होगा, पार्टी आएगी तो जरूर बदलाव होएगा। जैसे हम दिल्ली का सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स वगैरह बना रहे हैं, बिजली का जो है वो सब वे फ्री है, और वो वैसे भी केजरीवाल वगैरह ही इज़ ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। हाँ। हम लोग तो बहुत पसंद करते हैं उसको। वो आएगा तो मुझे तो लगता है कि जरूर। दस दिन से यहाँ गुजरात में हूँ, ये किसी ने नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल इज बेस्ट, किसी ने नहीं कहा, सबका फ्रॉड है, धोखेबाज है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आदमी है वो तो। उसने जैसे वो पैसा खाने वाला आदमी नहीं है, वो सबके सोच के करे ऐसा आदमी है। तो आपको लगता है कि मोदी जी के टक्कर के हैं केजरीवाल? मोदी जी की टक्कर मोदी जी से तो बहुत बेहतर है। आपने तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई, शॉकिंग न्यूज। बहुत बेहतर है मोदी जी से। नहीं तो फिर आप काम बताइए कि केजरीवाल को क्यों पसंद करते हैं दिल्ली के काम? केजरीवाल का दिल्ली की जो हम सुनते हैं न्यूज में है ना, और वैसे भी उनकी स्पीच से भी हमको लगता है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। पैसा खाने वालों में नहीं है, जैसे बाकी के नेता कैसे अपने जेब में पैसा भर भर के रखते, वो खाए ऐसा नहीं है। केजरीवाल खाए ऐसा नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, वो हमको अच्छा लगता है। अच्छा। वो काम करने वाला आदमी है, रिजल्ट देने वाला आदमी है वो। अच्छा, तो गुजरात की सरकार ने भी तो कह रही है कि हमने काम काज किया है, शिक्षा व्यवस्था में काम किया, अस्पतालों को बेहतर किया कि हाँ। स्कूल्स वगैरह आप देखो, हम तो बोलते हैं प्राइवेट स्कूल में आदमी क्यों जाए, गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल्स इतने अच्छे होने चाहिए। पब्लिक के लिए करिए ना आप सब जो अच्छा, करना है। मैम आप लोग न्यूज़ भी देखते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, तो एक सवाल मैं लेना चाहूँगा बतौर महिला होने के नाते। स्मृति ईरानी का जिक्र आता है, वो भी कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको आप लोग जानती हैं? हाँ जी जानते हैं। महंगाई का आपने जिक्र किया कि बहुत है गुजरात में भी देश में, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? स्मृति ईरानी को उनका हमको इतना आइडिया नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए एक सवाल ये ले लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आपको लगता है कि बनने के चांसेस है, कितनी सीटें आ सकती हैं? वो तो गॉड नोज। 50 गॉड नोज। अच्छा, भगवान ही जाने क्या होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। देखिए अखबार पढ़ रहे सर से मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आपसे देखिए आपने मैम को सुना कि किस तरीके से कह रहे हैं, कैसा लगा गुजरात सरकार का काम कर आपको? सरकार का काम ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, रोड्स वगैरह कई जगह पे बराबर नहीं है अभी भी। अच्छा अच्छा, इसमें थोड़ी सी कमी है। और कमी है, और महंगाई तो एक मुद्दा है ही। इतनी ब्लंडर मेजोरिटी होने के बाद भी ये लोग महंगाई पर कभी बात नहीं करते हैं। नहीं नहीं, ये तो सब लोगों का मसला है, उस पर काम करना चाहिए उनको। इतना अच्छा मेजोरिटी है तो काम इस पे ज़्यादा कर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए मैं तो आप इन लोगों से बात की आपने सुन ही लिया है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ कि तीनों पार्टी जो हैं, आम आदमी पार्टी की नई इंटरव्यू जैसे मैम ने बताया खूबसूरत तरीके से, किस में टक्कर आप देख रहे हैं, मुकाबला किस में देख रहे हैं, किस में कॉम्पिटिशन है? मुकाबला इस बार तो आम आदमी पार्टी कर सकती है, बट कांग्रेस को मार ज़्यादा पड़ेगी उसमें। कांग्रेस को ज़्यादा मार पड़ेगी, डेफिनेटली। किसको आम आदमी पार्टी के एंट्री से किसका नुकसान हो रहा है, बीजेपी का या आम आदमी कांग्रेस? कांग्रेस का। बीजेपी का नहीं होने वाला? नहीं, बीजेपी का तो नहीं होने वाला है। तो आम आदमी पार्टी के चांसेस हैं 10 से 20, 30, 50 कितनी सीटें ला सकती है? कम से कम 15-20 सीट ला सकती है। 15-20 सीट ला। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों से भी ले लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जब गुफ्तगू कर ही रहे हैं, गुजरात में इस बार जो बीजेपी को वोट पड़ेंगे, भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम पे पड़ेंगे या मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम पे पड़ेंगे, उनके नाम पे नहीं पड़ने वाले? नहीं एक्चुअली क्या, वही छाए रहते हैं सारा दिन टीवी में, जब भी देखो जब। अपनी तारीफें होती हैं। अच्छा, सिर्फ अपनी मोदी की तो अपनी तारीफें होती हैं। आपका नाम फिर से बताइए। मंजीत कौर। मंजीत जी, देखिए बहुत अच्छी बात करते हैं, बेसिक बात बता रही है भाई, सिर्फ तारीफें लूटते हैं एडवर्टीजमेंट। हाँ, अपनी ही बस करने की तारीफ उसको। अरे इंसान को अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, सामने वाला उनकी तारीफ करे ना, उनका काम उनकी तारीफ करे, इस तरह का होना चाहिए। अच्छा, तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे देखते हैं आप? पूरा मीडिया चैनल तमाम लोग कहते हैं देश विश्वगुरु बन रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, ये सब चीज़ आप लोग जब सुनती हैं तो कैसा लगता है? हमको ऐसा नहीं लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, हमको तो नहीं लगता है। हम तो कहते हैं आम आदमी पार्टी ही आए, बस पूरा पलटा ही कर दे, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो जो पैसा नहीं खाए, बस एक पाई पैसा भी ना खाए, जो देश का हित करे, ऐसा होना चाहिए बस। अच्छा लगा, मैं इनको वीडियो जरूर भेजूंगा ताकि ये देखें भैया, और लोग भी देखें ताकि समझ पाए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। सर अखबार पढ़ रहे हैं, क्या बड़ी खबर है आज की? सर अखबार तो बराबर है, लेकिन मिडिल क्लास इंडिया में पब्लिक 90% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है। पेट्रोल के भाव देखो, गैस के बाटले के भाव देखो, 400 वाला बाटला भी 1000 में बिक रहा है, और खाने का तेल जो 900 में डिब्बा मिलता है 3000 में मिल रहा है। सबसे बेसिक तो वो है, ट्रेन बिक्र भी चल सकता है, मेट्रो ऐसी जरूरी चीज़ नहीं है, लेकिन खाने का तेल, गैस का बाटला, वो तो कम करना चाहिए ना। मोदी जी यहाँ फेल गए,
यहाँ गुजरात में मोदी जी फेल हैं, क्योंकि तिल का डिब्बा का भाव देखो, गैस का बाटला का भाव, वो तो कंट्रोल कर नहीं पाए। जो बेसिक है आम पब्लिक क्या चाहती है, महंगाई से कंट्रोल, सबसे मेन चीज उसको पेट से जुड़ी चीज है, वो चीज जुड़ी है पेट से। नहीं नहीं सर, नाम क्या हुआ आपका? हेमंत शाह। हेमंत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए आप, अच्छी बात है कि महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं भाई महंगाई क्या करेंगे, सैलरी बढ़ रही है, महंगाई से क्या है, सिलेंडर की बात है, लोग देश तरक्की कर रहा है तो 1100 हो गया, क्या दिक्कत है इसको कैसे देखें? पूरे वर्ल्ड क्रूड के भाव डाउन ही है, फिर भी पेट्रोल के भाव कम नहीं हुए, वो मैं समझ रहा हूँ। आप तो मिडिल क्लास का चाहता है कि भाई गैस का बाटला जो रेट था पुराना, या खाने का तेल डिब्बे का 900 का था, अभी 3000 में मिल रहा है डब्बा, वो सब कम होना चाहिए। मैं तो फिर इतनी दिक्कतें हैं तो फिर इस बार सियासी हवा क्या देख रहे हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस? देखो मीडिया भी उनके हाथ में है। अच्छा। तो पब्लिक का रियल आवाज वहाँ पहुँचता नहीं है। अच्छा। पब्लिक को तो मालूम है कि उसका पैसे कितने बचते हैं। हाँ। पगार कितना आता है, पगार बढ़ी है लेकिन सबकी पगार नहीं बढ़ी, मिडिल क्लास की पगार तो इतनी नहीं बढ़ी है। अच्छा अच्छा। तो उसके पास बचत भी नहीं हो रही है, अभी घर का पूरा खर्चा उसमें निकल जाता है। गुजरात चुनाव में बीजेपी के, एक एक पार्टी पे ले लेते हैं, बीजेपी की तरफ से कौन ऐसा चेहरा है जो ज्यादा यहाँ असर डाल सकता है, उनके नाम पे वोट आएगा? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, स्मृति ईरानी हैं, सिंधिया साहब हैं, योगी जी हैं, कौन है? यहाँ खाली बीजेपी में मोदी जी है। हाँ। ये सब तो उनके वो है, मैं नहीं बोल सकता। हाँ, मतलब ठीक है, मतलब उनके मोदी जी पे सब चल रहा है बराबर, ठीक है। और कांग्रेस की तरफ से क्या यहाँ लहर है, उनकी चर्चा हो रही है, चाहे राहुल गांधी को लेकर हो, प्रियंका गांधी को लेकर? कांग्रेस का इतना वेटेज है, लेकिन हम पूरे गुजरात में अभी 2017 में 77 सीटें हैं, उनको इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अभी पब्लिक नया मांग रही है, दिल्ली मॉडल सब मांग रहे हैं। यहाँ दिल्ली मॉडल में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तो सब से सुनिए दर्शकों, दिल्ली मॉडल, गुजरात मॉडल को टक्कर देने आया दिल्ली मॉडल। दिल्ली मॉडल सबको आशा है कि दिल्ली मॉडल यहाँ भी स्टार्ट हो जाए, इसीलिए सबकी आशा आप पे है। और मैम भी यही बात बता रही थी कि आम आदमी पार्टी इज द गुड। और गांव के अंदर भी आपका भी बहुत चल रहा है। अभी एक इसमें माइनस पॉइंट है कि ईवीएम मशीन में कुछ ना गड़बड़ी हो। अच्छा, ईवीएम पे क्यों शक होता है? सबको मालूम है ईवीएम में क्या हो रहा है, कोई बोलता नहीं ईवीएम में क्या हो रहा है बराबर। तो ईवीएम का अच्छा काम का मन में एक शक है, शक है ईवीएम। लोग तो ये भी बता रहे हैं कि भाई ईवीएम है तभी मोदी जी जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रहे हैं। कुछ इतना नहीं बोल सकता, लेकिन ईवीएम में कुछ घोटाला ना हो तो आपके चांसेस अच्छे हैं। आप लोग के क्षेत्र में हैं आप, क्या मुद्दे क्या है जो जनता जिसको ज्यादा तवज्जो दे रही है? एक तो जनता सबसे ज्यादा महंगे दे रही है, और बेसिक सबसे सर्विस जो अच्छी होनी चाहिए वो सब यहाँ अच्छी है, इतनी खराब भी नहीं है बराबर। लेकिन फाइनली किसकी बन रही है फिर आप लोग के हिसाब से? 50% चांसेस है आपके, मतलब ये बहुत हो गया कांटे की टक्कर। हाँ, कांटे की टक्कर है। और तो आम आदमी पार्टी को कांटे की टक्कर, इसका मतलब कैसे देख रहे हैं? 50 सीटें, 40 सीटें? 50% बोल रहा हूँ। 50% तो फिर तो 80 के आसपास बहुमत आ जाएगी। हाँ। अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब गठबंधन के बाद में इशू बनेगी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। चलिए एक चीज और सवाल ले लेते हैं कि बीजेपी की पिछले बार 99 सीटें थी, इस बार आम आदमी पार्टी के आने से इसके सीटों में घटोतरी होगी या बढ़ोतरी होगी? घटोतरी होगी। अच्छा, बीजेपी की सीटें होगी वो सब। तो मैम अभी तो आपसे बातचीत मेरी चल ही रही थी, एक ये भी देख रहे हैं कि 2000 जो है आप देख रहे हैं 14 से मोदी सरकार आई है, और एक चीज़ रहा कि नफरत हटा देंगे उन्होंने चैलेंज किया था 2022 तक, कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे पे मोदी सरकार ने कामकाज किया है कि लोगों के बीच में नफरतें हटा दी हैं? नहीं, बिल्कुल नफरत नहीं हुई है, हटाई नहीं है, बिल्कुल नफरत इतनी बढ़ गई है आपस में कि ना पूछो। और रिलीजन में तो बहुत ज़्यादा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वगैरह, ये सारे दिन इतना डिफरेंस हो गया है कि सबको अलग करते हैं। धर्म तो हमको सब साथ में सिखाता है कि साथ में रहो, मिलजुल के रहो, प्रेम प्यार से रहो, इतना डिस्प्यूट्स बढ़ गया है कि ना पूछो। ये नॉलेज तुमको होनी चाहिए, कोई भी संत है, महात्मा, पैगंबर, हमको सब सिखाता है कि यूनिटी में रहो, प्रेम प्यार में रहो। यहाँ तो जब देखो वो टीवी में आता रहता है कि इसको ये कर दिया, धर्म का ये कर दिया, इसको पकड़ के ले गए, इसको ये ले गए, वही सब कुछ चलता रहता है। धर्म हमको, मैं माफ़ी चाहता हूँ टोकने के लिए, देखिए आप इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, आज एक माहौल सा नहीं बन गया कि लोग एक तो बोलने से डरते हैं, दूसरा जो लोग अच्छी बातें करते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, इसको कैसे देख रही है? हाँ, वही कह रही हूँ ना, जो सच है वो तो सच तो सच ही रहने वाला है ना। जो सच है कहने का मतलब वो सच बोलो, सच बोलने से भी लोग डरते हैं क्योंकि गिरफ्तार कर लेंगे, पर आके झूठ तो चलेगा नहीं ना, लंबा सच ही लंबा चलेगा। तो मोदी जी जो कह रहे थे वो पूरा नहीं हुआ, आपको नहीं लगता कि जो लोगों के बीच में नफरतें थे, जाति पात था, खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, ऊपर से बढ़ गया है, कभी था ही नहीं कांग्रेस के टाइम में, तो कभी ये बातें है ही नहीं, ऊपर से बहुत ज्यादा बढ़ गया है ऐसा मुझे लगता है। गुजरात के टाइम, माफ कीजिए, कांग्रेस के टाइम में जो है थोड़ा सा कम था या था ही नहीं,
तो कम से कम देश में ना हुआ, क्या गुजरात में हुआ है कि नहीं? गुजरात में नफरतें कम है, लोगों के बीच भेदभाव है कि नहीं है? नहीं, पर मोदी वगैरह है, मोदी लोगों ने तो बढ़ाया ही हुआ है ना सबके बीच में, प्रोपोगंडा कर 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 सबको बढ़ाया ही हुआ। हम तो कहते इंसान सब मिल के रहें, प्रेम प्यार से रहे, धर्म बीच में होना ही नहीं चाहिए। ईश्वर ने हमको सब पैदा किया है, हम ईश्वर के सब बच्चे हैं, तो सब मिलजुल के रहे ना, धर्म को अलग अलग क्यों करते हो? वो मैं बोलती हूँ, मैं तो मतलब धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म एक होना, यूनिटी होनी चाहिए धर्म। ठीक, एक आखिरी सवाल, कंट्रोवर्सी की जो बात कर रहे हैं आप, धर्म के बीच में दरारें पैदा करना, इससे फायदा ज्यादा किसको है, किस पार्टी को हो रहा है इस वक्त? उन्हीं को ही हो रहा है, उन्हीं को ही हो रहा है। वो इलेक्शन में जाते हैं, वोटिंग के लिए ही जाते हैं ना, जो भी होता है वहाँ पे वोटिंग के लिए जाते हैं ताकि वोट ज्यादा मिले उनको, बस। तो मतलब वोट के पीछे फिर आम पब्लिक तो फिर सफर करती है ना, ऐसा बोलती हूँ मैं। और आप यही कहना चाह रहे हैं कि भाई कम से कम आप राजनीति करो लेकिन लोगों के मुद्दे पे। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए। हम तो कहते हैं एक इंसान हो, सच्चा सुच्चा अच्छा आदमी हो, जो सबका सोचे, सबके लिए जिए, अपना जेब भी नहीं भरे, पब्लिक के लिए करे बस। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि मोदी जी सबके लिए सोचते हैं, कौन? हमको तो नहीं लगता है कि सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं तो इतना नहीं हो। और गुजरात में तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है यहाँ पे। ठीक है, कोशिश करते हैं कि, लेकिन अच्छी पॉइंट हम लोग तो दिल्ली के साइड है, वहाँ तो हमने देखा वहाँ पे कोई महंगाई नहीं होती है इतनी, हर चीज़ सस्ती है, हर चीज़ सस्ती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बात करें। थैंक यू।